रहस्य इस मंदिर में होती है चंदन और केसर की बारिश। भारत में ना जाने कितने तीर्थ स्थल हैं और उन सभी तीर्थ स्थलों का अपना अपना एक महत्व है। कई बहुत चमत्कारी हैं तो कई रहस्यों से भरपूर जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इन्हीं चमत्कारों में एक है एमपी का मुक्तागिरी क्षेत्र, जहां पर आज भी चंदन और केसर की बारिश होती है और आज तक इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया है कि ऐसा क्यों होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भैंसदेही में मुक्तागिरी जैन समुदाय का ये तीर्थ क्षेत्र है। अपनी सुंदरता और धार्मिक प्रभाव के कारण काफी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर दिगंबर जैन संप्रदाय के कुल 52 मंदिर हैं। हर एक मंदिर अपनी एक से बढ़कर एक शिल्प कला के नमूने प्रस्तुत करते हैं। कथा इस स्थान को लेकर एक बात काफी प्रचलित है कि यहाँ मुक्तागिरी के मंदिरों में आज भी 14 के दिन केसर और चंदन की बारिश होती है। पौराणिक कथाओं की माने तो करीब हजार वर्ष पहले आसमान से एक मेघा ध्यानमग्न एक मुनिराज के सामने आकर गिर गया था। जब ध्यान खत्म करने के बाद मुनिराज ने उसे देखा तो उस मेढे के कानों में मंत्रोच्चारण किया, जिसके बाद वो मेघा देव बन गया। उसके बाद से ही निर्वाण स्थल पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात में देव प्रतिमाओं पर केसर के छींटे पाए जाते हैं। ये छींटे वहाँ पर स्थित सभी 52 मंदिरों में देखने को मिलते हैं। ये बारिश कहाँ से होती है? मंदिरों के अंदर देव प्रतिमाओं पर यह छींटे कहाँ से पड़ती हैं? इस बात का आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। मुक्तागिरी के पर्वत पर 52 मंदिरों में से एक मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की काले रंग की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा सदियों पुरानी है और यह प्रतिमा चमत्कारिक प्रतिमा है। मुक्तागिरी के इस पर्वत पर करीब 250 फीट का झरना भी मौजूद है, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाता है, सौंदर्य को और भी मनमोहक कर देता है। बता दें कि यहाँ पर दर्शन के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि मंदिर पर्वत पर ही बने हुए हैं। साथ ही दर्शन के लिए 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ता है और उतरते वक्त 350 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि 600 सीढ़ियाँ उतरने के बाद ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।